हिट तुंद जग चानन होवा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही डिवोशनल, स्पिरिचुअल और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ शुरू हो रहा है। और आप देख रहे हैं मेरी इवाना यहाँ पे दादी के साथ मिलकर दियों में तेल डाल रही है। कोई भी फेस्टिवल हो, हम इवाना को पूरा 100% ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो ये सारी चीज़ें सीखे। तो आप सबको गुरु नानक देव जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बाबा जी का बर्थडे हर साल कार्तिक मंथ की पूर्णमासी को मनाया जाता है। और कार्तिक मंथ वैसे भी हर एक रिलीजन में बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा बर्थडे भी इसी मंथ में आता है, तो आई फील माई सेल्फ सो फॉर्चुनेट। और मुझे अभी भी याद है कि इस मंथ में ना प्रभात फेरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और पूरा मंथ चलती हैं आई थिंक। तो मेरे बर्थडे वाले दिन हर साल मेरे मदर हमारे घर में प्रभात फेरी ज़रूर करवाते थे। और मतलब बहुत ही एक होता है ना कि वो दिन, वो नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग, तो वो ज़रूर आती है मुझे हर साल इस मंथ में। जब भी मैं प्रभात फेरी या फिर बाबा जी का बर्थडे होता है तो हर एक चीज़ को लाइक वो यादें जुड़ी होती हैं। तो बाबा जी का बर्थ जो है वो 1469 को तलवंडी साहब में हुआ था, जिसको आजकल ननकाना साहब कहा जाता है, और ये अभी पाकिस्तान में है। एंड इस साल हम बाबा जी का 553वां बर्थडे मना रहे हैं। तो सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर थोड़ी बाबा जी के बारे में आज बात करें तो हम बाबा जी सिखिज़्म के फाउंडर हैं, सिख धर्म के पहले गुरु हैं, क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वंड छको, किरत करो, नाम जपो, वो हर एक को पॉजिटिविटी की तरफ या प्रोडक्टिविटी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। और उनका एक ओंकार का नारा तो हमें बताता ही है कि हम सब सेम हैं। तो ये मंथ और ये डे कह लो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और नगर कीर्तन, कीर्तन, लंगर, ये सब इस डे को और भी सुंदर बना देते हैं। सो हम लोग भी अभी अभी रंगोली बना के और पूरा घर को थोड़ा सा डेकोरेट करके, लाइटिंग करके, तो अभी हम दिए जला रहे हैं। और इवाना यहाँ पे पूरी लाइक उसको हेल्प करनी होती है, उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है एक्चुअली। तो वो डिवोशनल सी जो फीलिंग है ना, तो मुझे लगता होता है कि इसके अंदर भी वो पूरी रहती है। बार बार कह रही थी आज बाबा जी का बर्थडे है, आज बाबा जी का बर्थडे है। कल तार गुरु नानक आया, कल तार। हमने अब दिए जला लिए हैं और हम दियों को रंगोली में रख रहे हैं। दीवाना मुझे पूरी हेल्प कर रही है, दादी भी है साथ में। और दिए लगाने के बाद हम लोगों ने थोड़े पटाखे चलाए। सारे दिए जलाने के बाद ये वाला यहाँ पे इसके पास ना एक वो चाइनीज़ होता है ना इलेक्ट्रिकल सा दिया, तो वो था इसके पास, तो उसे आरती करने लगी। और ये सब हमारी कॉलोनी में वगैरह चला रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे बेसिकली। हाँ, हैंडू पकड़ लो मेरा हैंडू। आप इधर चलो, फुलझड़ी पकड़ो। आप गुड मॉर्निंग। एंड ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। और मॉर्निंग में हर रोज की तरह मेरी कॉफ़ी और इवाना की दूध पत्ती। और इवाना एक्चुअली ना दूध नहीं पीती है, वाइट मिल्क लेती है, तो हम ज़्यादा उसको कंपेल भी नहीं करते। थोड़ी सी पत्ती डाल दो और इलायची वगैरह डाल के, लौंग, सौंफ वगैरह, तो वो दूध अच्छे से पी लेती है। तो आज यहाँ पे कह रही थी कि झूले पे बैठ के वो खाएगी पिएगी, तो यहाँ पे आराम से बैठ गई।
इवाना। और यहाँ पे इवाना खेल रही थी दादी के साथ हाइड एंड सीक, और मेरे पास छुप गई। कब से ढूंढे, और दादी उसको ढूंढ रही है। दादू पास चली गई है। मैं नीचे जाके देखती इवाना कहाँ, ये कहीं मुझे बहु ना। और अब मेरी टर्न थी, मैं इवाना को ढूंढ रही हूँ, और ये हमसे पूछेगी मम्मा मैं कहाँ छुपूं, और फिर हम इसको छुपाते हैं और फिर इसको ढूंढते हैं बच्चों के साथ। चलो दोबारा से बचपन जिया जा सकता है। वैसे और अब थोड़ी सी साइकिलिंग का टाइम था यहाँ पे, और बच्चों के साथ आप कहाँ कर सकते हो ये सब कुछ। और ये देखिए मुझे कहती नहीं आप उतर जाओ, मैं खुद ही चलूं। और ये लीजिए ये है हमारी साइकिलिंग, और ये है इवाना का नेक्स्ट प्रॉप झाड़ू पोछा। अब ये लेके बैठ जाएगी और एक एक सबको देगी, और फिर सफाई करो कुछ नहीं बस ऐसे ही झाड़ू के साथ खेलना है। और आजकल हम सूरज से पहले उठने लगे हैं, तो ये एक तरह से एक अलग ही जीत है। इसमें तो है, इसमें क्या लगा है इवाना, यहाँ पे देखिए प्लांट्स को पानी दे रही है। पांच प्लांट नहीं भी है तो उस पर भी पानी जाएगा। अब अगले को दो। एंड वेदर चेंज हो रहा है डे के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी स्मोगी सा रहता है। डेफिनेटली थोड़ी विंटर्स ऑनसेट तो है ही है, तो बस अभी बहुत जल्दी से सर्दी आएगी। बट इस साल सर्दी काफ़ी लेट है, ऐसे तो लाइक दिवाली पे भी हल्की हल्की सर्दी होती है, बट इस साल सब कुछ लेट है। और ये हमारे पालक उग गई है, बहुत अच्छी हुई है। मेथी भी उग चुकी है जो हमने लगाई थी, और ये धनिया भी बहुत अच्छा निकल गया है। एंड थैंक्स टू मम्मी डैडी जो इनको रोज़ पानी देते हैं। नीबू मुझे कुछ सरप्राइज देने लगी है। आई आई लव यू टू बेटा, बिल्कुल आपके जैसा ही है ये तो, बहुत प्यारा है रोज। अब मैं दूंगी आपको इवाना, आई लव यू। पढ़ूंगी, पढ़ो 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 जी बेटो। मैं यहाँ बैठ जाओ। इबू दादी के साथ प्रैंक करने जा रही है। कैसे? कहाँ? नहीं, इबू नहा चुकी है, और ये मैंने बना दिया उसके लिए गर्मा गर्म पोटैटो फ्राइज। सरप्राइज, यम्मी। और मैं लूंगी एक कप कॉफी क्योंकि सुबह नहीं ली। पापा क्या बोले? पापा बोले कोई क्या कर रहे हैं पापा? सो ये देखिए रात की वॉक होती हुई, इवाना वॉक पे निकला आज, तो ये देखिए वापस आते हुए, बस वॉक ख़त्म। ये वॉक करते हैं दुनिया किलोमीटरों में करती है, ये 50 मीटर में करते हैं, 25 मीटर पे इवाना पर रनिंग करवा देती है। इवाना रेस लगाओ, चलो आप रेस लगाओ दोनों, देखते कौन जीता है। इधर इधर ये देखो दो एथलीट। आज हमको आपको एक रेस दिखाएंगे, इवाना वर्सेस इवाना मॉम। इवाना इवाना कौन फर्स्ट आया? Yes. कौन जीता? इसी रेस को और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वी होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।